दोस्तों जब आप अपने YouTube चैनल को सर्च करते हैं और आपका चैनल सर्च लिस्ट में ही नहीं आता है, तब आपको गुस्सा आता होगा कि मैंने ऐसा क्या नाम रख लिया अपने YouTube चैनल का जिसको सर्च करता हूं दिखता ही नहीं है, तो लोग हमारी वीडियो को कैसे देखेंगे, व्यूज कैसे आएगा। आज की इस वीडियो का जो मोटिव है वो ये बताने का है कि बिना कीवर्ड के भी आपका चैनल सर्च में आ सकता है, क्या करना होगा कि बिना कीवर्ड के आपका चैनल सर्च में आए, और चैनल बनाते टाइम गलती नहीं करनी है। अगर वो गलती आप करते हैं तो आपका चैनल सर्च में नहीं आता है, आपकी प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ जाती है। देखो जब आपके नाम से लोग आपको पुकारते हैं ना तो आप जल्दी सुनते हो, ए वो ऐसे कुछ कोई बोले ना समझ में नहीं आएगा, लेकिन अगर ये मुझे कोई बोलेगा प्रभाकर इधर आओ तो मैं ही आऊँगा ना, क्योंकि मेरा नाम प्रभाकर है। वैसे अगर आपका चैनल का जो नाम है उस नाम को अगर कोई सर्च करे तो आपका चैनल अगर दिखे तो फिर ज़्यादा व्यूज आते हैं ना, ज़्यादा ऑडियंस आती है, वही सेम प्रोसीजर है। तो मैं आपको पहले एक चैनल दिखाता हूं, यहां पर एक चैनल है, ये चैनल जो कि मैं यहां पर आपको दिखाऊं, ये चैनल है जो कि मैंने ओपन कर रखा है और आपके सामने मैं इस चैनल को कॉपी कर लेता हूं नाम, और यहां पर इनकॉग्निटो मोड को ओपन करता हूं, जैसा कि यहां पर मैंने पहले से ओपन कर रखा था। दोबारा आपके सामने यूट्यूब ओपन करता हूं, यहां पर मैंने यूट्यूब ओपन किया। इनकॉग्निटो मोड का मतलब क्या होता है कि यहां पर कोई भी चैनल लॉगिन नहीं है, एकदम नया प्रोसीजर दिख रहा है, तो यहां पर हम इंटर पर क्लिक कर देते हैं। देखो सबसे ऊपर चैनल आ रहा है, ये चैनल सबसे ऊपर आ रहा है, NXL आर्मी। अब ये जो चैनल है ये सबसे ऊपर क्यों आ रहा है मैं आपको यहां पर बताना चाहूंगा, दिखाना चाहूंगा। देखो सबसे पहले जब चैनल सर्च में आने का जो मेन कारण होता है वो आपके चैनल का नाम होता है, आपके चैनल का नाम यूनिक होना चाहिए। अगर जैसे 10 लोग मैं खड़ा हूं, 10 लोग एक ही नाम के खड़े होंगे, तो मैं मान लो बुला रहा हूं राजेश इधर आओ, अब राजेश नाम का 10 लड़का एक साथ ही खड़े हैं, कौन से राजेश को बुला रहा हूं भैया नहीं पता है, किसी का नाम हो सकता है राजेश हो, किसी का राजेश कुमार हो, किसी का राजेश कुछ भी कर सकते हो, तो अगर उसके पीछे कुछ नाम है या आगे कुछ नाम है तो फिर वो अलग हो जाएगा ना। लेकिन अगर सिर्फ राजेश बुलाएंगे और 10 लोग खड़े हैं राजेश नाम के, तो राजेश कंफ्यूज हो जाएगा कौन से नाम को बुला रहा है, तब हमें एक एक करके पूछना पड़ेगा, फिल्टर करना पड़ेगा। वही सेम प्रोसीजर इसमें भी है कि अगर आपने YouTube चैनल का नाम रखा तो आपने किसी दूसरे चैनल को देख कर नाम रखा तो आपका चैनल नहीं आएगा सर्च में, अगर सर्च में आता भी है तो क्या गारंटी है कि आगे ज़्यादा दिन तक सर्च में रहेगा, ऐसी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए आपको अपने चैनल का नाम यूनिक रखना है। यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा सेटिंग पर ले चलकर, अगर चैनल सर्च में ना आए तो ये काम कर लेना जो अब बता रहा हूं। इस पर इसलिए नहीं किया है क्योंकि ये चैनल ऑलरेडी सर्च में आ रहा है। यहां पर देखो, यहां पर चैनल पर चलते हैं, चैनल पर चलने के बाद यहां पर कीवर्ड डालना होता है जो कि चैनल का कीवर्ड होता है, लेकिन यहां पर बिल्कुल एक भी कीवर्ड नहीं लिखा हुआ है। इसका मतलब यह है कि बिना कीवर्ड के भी चैनल आपका सर्च में आ सकता है अगर आपके चैनल का नाम यूनिक है तो। एक चीज आपको यहां पर दिखा दी, दूसरा अगर आपका चैनल सर्च में ना आ रहा हो तो यह काम भी कर लेना, अपने हर एक वीडियो के टाइटल में अपने चैनल का नाम डाल देना। मैंने किसी में भी नहीं डाल रखा है और इसलिए चैनल सर्च में आ रहा है क्योंकि चैनल का नाम यूनिक है, चैनल का नाम पहले से किसी ने नहीं रख रखा है। मैं दोनों बातें आपको साथ साथ में बताते चल रहा हूं, आपके चैनल का नाम अगर यूनिक नहीं है और चैनल सर्च में नहीं आ रहा तो ये काम करते जाना जो मैं बता रहा हूं, टाइटल के पीछे अपने चैनल का नाम डाल देना, प्लस यहां सेटिंग वाले ऑप्शन पर जाकर, यहां चैनल वाले ऑप्शन पर जाकर कीवर्ड डाल देना, ये दो काम आप कर लेना। उसके बाद आप जाना यहां पर योर चैनल पर क्लिक करना, योर चैनल पर क्लिक करने के बाद अभी आपको बता दे रहा हूं कैसे डालना है, यहां पर कस्टमाइज चैनल पर क्लिक करना। जब आप कस्टमाइज चैनल पर क्लिक करते हो तो आपको दो तीन काम करने हो, यहां पर आपको आना है बेसिक इन्फो में, और यहां पर देखो डिस्क्रिप्शन में मैं कहता हूं ना चैनल का नाम डालो, यहां पर भी चैनल का नाम नहीं डाल रखा है, आप अपने चैनल का नाम यहां डाल देना। यहां पर डाल दोगे जब अपने चैनल का तो आपका चैनल सर्च में आने लगेगा। प्लस आपको बताऊं ये जो NXL आर्मी का URL बना है आप अपने चैनल का भी URL बना लेना, URL बनाने से आपका चैनल सर्च में आने लगेगा। प्लस जब आप कोई भी वीडियो अपलोड करें, जब भी कोई भी वीडियो अपलोड करें तो उस वीडियो के टैग में आप अपने चैनल का नाम डाल देना। आप अपने चैनल का जब नाम डाल देते हो टैग में, यहां पर मैं आपको दिखाऊं ये है टैग, यहां पर टैग में कुछ भी नहीं डाला है, कुछ भी नहीं है इस टैग में, लेकिन फिर भी चैनल सर्च में आ रहा है। अब आपने सब कुछ कर लिया है और आपका चैनल सर्च में नहीं आ रहा है, टैग में आपने अपने चैनल का नाम डाल लिया, टाइटल में डाल लिया, डिस्क्रिप्शन में डाल लिया, चैनल का नाम भी यूनिक है तब भी सर्च में नहीं आ रहा है, तो आपको यहां पर मैं बताना चाहूंगा आपको अपने चैनल का नाम चेंज करने की जरूरत है, क्योंकि चैनल सर्च में आना इतना इंपॉर्टेंट है कि चैनल जब तक सर्च में नहीं आएगा, मेरा आप अगर चैनल देखते हैं और आपको अच्छा लगता है कुछ भी चीज तो आप मेरे नाम का सर्च करेंगे, मेरे नाम को टेक्निकल प्रभाकर लिखेंगे तो आपको मैं दिखूंगा या मेरी वीडियो दिखेंगी। वीडियो क्यों दिखेगी, क्योंकि वीडियो में मैंने टैग यूज कर रखा है अपने नाम का।
टैग यूज करने पे, अपने नाम का यूज करने से वीडियो आप सर्च लिस्ट में आने लगती है, राइट। तो ये बातें थी जो मैंने आपको बताया, बिना कीवर्ड के आपका चैनल सर्च में भी आ सकता है अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो। अपने चैनल का नाम यूनिक रखो, आपका चैनल सर्च रिजल्ट में सबसे ऊपर टॉप पर आएगा जैसे ये चैनल आया है। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो समझ में आई होगी एकदम आसान भाषा में। मिलता हूं कल एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइन अस।